दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर। फ्रेंड्स, मैं इसमें आपको डिपार्टमेंट की लिस्ट की मैं आपको ये फटाफट में एक वीडियो बना के दे रहा हूँ, ताकि क्योंकि क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन डिपार्टमेंट से भी जो है क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा सकते हैं, मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट से। तो मैंने उन्हीं डिपार्टमेंट्स को उठाया है कि जहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि कोई गैस का फंडा नहीं काम करता। कुछ ऐसे भी डिपार्टमेंट्स हैं, लाइक लेट्स सपोज लॉ, अगर आप लॉ मिनिस्ट्री को देखते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसे वर्ड्स कीवर्ड्स मिल ही जाता है, आपको पता चल जाता है कि लॉ मिनिस्ट्री से है। तो जिस वजह से हम उन्हीं डिपार्टमेंट्स को देखेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा अगर बोलें तो कन्फ्यूज़न कहीं ना कहीं दिमाग के अंदर यहाँ में देखने को मिलती है। ये मैंने अगर बोलूँ तो मैंने GOI वेब डायरेक्टरी, जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, मैंने वहाँ से सारा का सारा डेटा को मैंने उठाया है, उसको एक नोट्स फॉर्म में बना के रखा है। और ये मैं बोलूँ तो ये नोट्स मैं आपको जस्ट शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ड्यू टू द लैक ऑफ टाइम, मेरे पास PPT बनाने का भी इतना टाइम नहीं है, तो जिस वजह से मैंने सोचा चलो अपने ही नोट्स को मैं शेयर करूँ आपके थ्रू, ताकि और इसकी PDF फाइल मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर दे दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे मिल जाएगा। विद इन 24 to 48 आवर्स के अंदर आपको इसका जो है सब कुछ डेटा आपको मेरे से PDF फाइल मिले। बट मैं कोशिश ये बोलूँगा कि आपको अपने खुद हैंड रिटन नोट्स बनाइएगा, ताकि आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज के डिपार्टमेंट से, और वो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स को देखने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको कोई इन फ्यूचर के अंदर कोई प्रॉब्लम्स ना आए। तो इसके अंदर देखिए, सबसे पहले आता है PMO, यानी कि प्राइम मिनिस्टर के, जो प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस है उसके अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हम अगर बोलें तो हम देख सकते हैं कि देखिए, पहले आता है इसके अंदर पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशन। आप इसको देखिए, इसमें क्या है, अब इसको लर्निंग फैक्टर है, ये कम से कम 5 to 7 times इसको बैक टू बैक रिवाइज मारिएगा। और जैसे ही प्रिम्स आ जाए, तो प्रिम्स लेट सपोज 1-3 जून को प्रिम्स है, तो मैं आपको यहाँ पे बोलूँगा विद इन 1 month के अंदर 3 times रिवाइज ये जरूर होना चाहिए, जब भी जाके जो है दिमाग के अंदर थोड़ा सा सेट होने की कोशिश होंगी। तो PMO के अंदर अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की अगर हम बात करें, तो जिसके अंदर पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन आता है, जिसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी भी आता है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस भी आता है। क्योंकि जब आप टेस्ट सीरीज बनाते हैं ना कोई किसी भी कोचिंग वालों की, तो ये यहाँ से MCQ जरूर रखते हैं। तो उसी एक ये होलिस्टिक व्यू है मेरी तरफ से इसके, अगर आप ये याद रख लेते हैं तो आपका कोई भी डिपार्टमेंट का कैसे भी क्वेश्चन आए आपका गलत नहीं होगा। इसी के जैसे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, देखिए दोस्तों ये एक तरह से दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट चार्ज भी हैं, सच बताएं तो ये किसी के अंडर, सच बताएं तो किसी फाइनली किसी मिनिस्ट्री के अंदर ये डायरेक्ट इसको जो है PMO अपने अंडर लेते हैं, तो इसको इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इंडायरेक्टली बोला जाता है। और PMO वो चार्ज करते हैं जो, अगर बात करें जैसे कि लेट्स सपोज ऑल इंपॉर्टेंट पॉलिसी इशू एट अदर पोर्टफोलियो नॉट एलोकेटेड टू एनी मिनिस्ट्री, अगर कोई भी है, जैसे कि पोर्टफोलियो अगर इशू होता है अगर किसी अदर मिनिस्ट्री को अगर नहीं दिया जाता, तो वो भी इसका जो है PMO जो है बेसिकली अगर बात करें तो कहीं ना कहीं PMO ही जो चार्ज करते हैं। देखिए मैंने PMO इसलिए आपको पढ़ाया क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चन PMO, क्योंकि UPSC बड़ा इंपैक्ट, बड़ी बातें वाला हिसाब है। तो फिर इसके बाद इन्वायरमेंट, कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो इन्वायरमेंट भी हमारा सुर्खी में हमेशा से जो बना रहता है। तो अगर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट को अगर हम देखें तो कुछ अटैच्ड ऑफिस, कुछ सेपरेट ऑफिस। ठीक है, अटैच ऑफिस जो डायरेक्ट मिनिस्ट्री के अटैच में रहते हैं, लाइक नेशनल रिवर कन्वर्सेशन डायरेक्टरेट, ये डायरेक्ट जो अगर बात करें अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंदर हमें देखने को मिलता है। इसी तरह सबॉर्डिनेट ऑफिस अगर देखें इसके, कि हाँ कुछ इसके अधीनस्थ, अगर बात करें हिंदी में इसका अधीनस्थ बोलते हैं, जो इसके अंडर हैं, तो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, BSI, ZSI, इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट अकेडमी, एज वेल एज नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। इस चीज़ को जरूर याद, देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है, क्योंकि एज पर द GOI डेटा हमें यही बताता है कि नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंदर आती है, ना कि आर्ट एंड कल्चर वाली मिनिस्ट्री के अंदर। तो इस चीज़ को आप जरूर याद रखने की जो है कोशिश कीजिएगा। तो अभी तक आपको, आप खुद सहमत हो जाएंगे कि आपको भी लगेगा कि हाँ वाकई कुछ चीज़ें निकल के हमें आ रही है। इसी तरह कमीशंस, कमेटी और मिशंस भी कुछ इसमें हमें चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हमारे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हमें देखने को मिलते हैं। नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा जो है अगर बात करें इसका, कुछ एक क्लीन गंगा नेशनल मिशन, ये हमें जो चीज़ें हमें देखने को यहाँ पे मिलती हैं। इसी तरह ऑटोनोमस या फिर एपेक्स इंस्टीट्यूशन, ऑटोनोमस दोस्तों उसको कहते हैं जो बोल सकते हैं, जैसे कि हिंदी में बोलें तो स्वतत्ता, जिसको एक वर्ड आता है स्वतत्ता से रिलेटेड ये चीज़ें जो है निकल के आती हैं, कि जिसके अंदर हाँ एपेक्स बॉडी है ये, कि ये किसी के, ये फाइनली इनका अपना ही सब कुछ है, तो ये किसी की फाइनली किसी के जल्दी अंडर नहीं आती है। तो कहीं ना कहीं अगर ऑटोनोमस और एपेक्स इंस्टीट्यूशन की बात करें, तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया एज वेल एज नेशनल क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म अथॉरिटी एज वेल एज और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट IFM भोपाल, जो बेसिकली काफ़ी हद तक सुर्खियों में बना रहता है, PCS लेवल तक के क्वेश्चन यहाँ से भी जो है पूछे जाते हैं।
तो इसी के जैसे दोस्तों स्टेचुटरी बॉडी जो वैधानिक जो पार्लियामेंट्स के थ्रू अगर बात करें जो होती हैं, जो पार्लियामेंट्स के थ्रू जो बिल्स जो पास होके जो चीज़ें निकल के आती हैं, तो ध्यान रखिएगा मिनिस्ट्री सेंट्रल जू अथॉरिटी इसके अंदर आता है, नेशनल टाइगर कन्वर्सेशन अथॉरिटी एज वेल एज आता है, और नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी भी आती है। तो इस चीज़ को आप जरूर याद रखने की जो कोशिश यहाँ पर जो है कीजिएगा। अगेन सेंट्रल जू अथॉरिटी एज वेल एज नेशनल टाइगर कन्वर्सेशन अथॉरिटी और नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी जो है हमें चीज़ें देखने को निकल के आती हैं। इसी तरह दोस्तों कुछ स्कीम्स प्रोग्राम्स एंड मिशंस एज वेल एज हमें देखने को मिलते हैं जिसके अंदर मिनिस्ट्री जो अगर बात करें मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट जो स्कीम्स प्रोग्राम मिशन चलाती हुआ है कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ बायो सेफ्टी इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा। केमिकल एक्सीडेंट इन्फॉर्मेशन एंड रिपोर्टिंग सिस्टम ये अभी भी देखिए क्यों, क्योंकि अगर 2017 का एग्ज़ाम पेपर देखें तो जिस वजह से PIB और प्लस गवर्नमेंट वेबसाइट से काफ़ी सारे क्वेश्चंस निकाले गए हैं, तो हमें अपनी चूक को मीन्स हमें हमसे कहीं चूक नहीं होनी चाहिए, जिस वजह से मैं सारी सारी चीज़ें जो कवर करने की जो कोशिश करूँ। इसी तरह केमिकल एक्सीडेंट इन्फॉर्मेशन एंड रिपोर्टिंग सिस्टम, नेशनल हजार्ड्स वेस्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम एज वेल एज और ओजोन सेल सी दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सो आप प्लीज़ इसको जरूर मेंशन करके रखिएगा कि हाँ ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर जो हमें चीज़ें जो हमें देखने को मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों थोड़ा सा और देखिए, इसके बाद आता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिसके अंदर डिपार्टमेंट्स हमें जो याद रखने हैं, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ध्यान रखिएगा ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। इसी तरह डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये तो ठीक है हो जाएगा याद, डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च अगर बात कर, देखिए डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, अब यहाँ पे काफ़ी तक कन्फ्यूजन यहाँ पे देखिए हो सकती है क्योंकि इंडस्ट्रियल वर्ड आ गया तो डेफिनेटली जो तुक्का लगेगा वो कहीं और लगेगा, तो जिस वजह से इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंदर ही आता है। इसी तरह से इसके कुछ इंपॉर्टेंट मिशंस हम देख लेते हैं फटाफट, जो इंपॉर्टेंट मिशंस अगर देखें तो स्कीम्स और प्रोग्राम एंड मिशंस जो एज पर द GOI डायरेक्टरी के थ्रू जो निकल के आता है वो हमें चीज़ें निकल के आ रही है यहाँ पे कि देखिए डेलकॉन जो बेसिकली अगर बात करें जो इनके कुछ प्रोग्राम्स चल रहे हैं DBT इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी और ये कॉन्स्टिट्यूशन है आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह DNA क्लब प्रोग्राम भी चल रहा है साइड टू साइड, फिर इंडियन बायोसेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशंस दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और नेशनल सर्टिफिकेशन सिस्टम ऑफ टिश्यू कल्चर प्लांट, तो ये टॉपिक कहीं ना कहीं जो अगर बोले तो कहीं ना कहीं स्कीम्स प्रोग्राम मिशंस के अंदर ये सारी अगर साइंस और टेक्नोलॉजी जो है मिनिस्ट्री जो हमें जो चला रही है। तो अगेन डेलकन DNA और इंडियन बायोसेफ्टी रूल्स एंड टिश्यू कल्चर प्लांट ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। इसी तरह अटैच ऑफिस हमें इसमें देखने को हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि मिनिस्ट्री सर्वे ऑफ इंडिया दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट जो देहरादून के अंदर वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर नहीं आता दोस्तों, ध्यान रखिएगा वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाली मिनिस्ट्री के अंदर हमें देखने को मिलती है। इसी तरह पेटेंट फैसिलिटी सेंटर न्यू दिल्ली ये इसके अंदर आता है, और नेशनल एटलस एंड थर्मेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन ये आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो शायद आपको कहीं टेस्ट सीरीज के इधर उधर भी चीज़ें कवर ना करें, जो मैंने अपने नोट्स में आपको यहाँ पे कवर करने की जो कोशिश कर रहा हूँ, तो ये इंपॉर्टेंट है आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को थोड़ा सा और डेप्थ के अंदर चलते हैं। अगेन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस देखिए अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है डिपार्टमेंट है इसका, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जिसको मौसम विभाग जिसको कहते हैं, ये अर्थ मिनिस्ट्री के अंदर हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर अगर बोलें तो कहीं ना कहीं हमें फिर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसी तरह स्कीम्स प्रोग्राम मिशंस के अंदर देखें तो इसमें जो है सिस्टम एयर क्वालिटी फोरकास्टिंग एंड रिसर्च हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं, और IMD की जो कुछ स्कीम्स चल रही हैं अगर बात करें तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात करें जिसके अंदर आपका मौसम चल रहा है अगर बोलें तो मौसम एक तो पहली बात तो देखिए मौसम तो है ही है ही, जिसके अंदर अगर हम बोलें कि क्वार्टरली जर्नल ऑफ मेट्रोलॉजिकल हाइड्रोलॉजी सो एक तो वो चीज़ चल रही है, साइड टू साइड आपका जियोफिजिक्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें चल रही हैं, इसी तरह मेटनेफ। तो आपको बेसिकली क्या याद रखना है MD स्कीम्स के अंदर आपका मौसम एंड मेटनेफ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इसको आप जरूर याद रखें। मेटनेफ बेसिकली इज़ अ ई गवर्नेंस इंट्रा IMD पोर्टल न्यू दिल्ली, तो ये बेसिकली यहाँ से चीज़ें जो हमारी जो चीज़ें जो चल के आ रही हैं। इसी के जैसे और सारे डिपार्टमेंट्स में अगर हम इसके अटैच ऑफिस को देखें मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के जो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रखता है वो है सेंटर ऑफ मरीन लिविंग रिसोर्सेज एंड इकोलॉजी। देखिए अब ये मरीन वर्ड आ गया, यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं आप कि भाई ये तो इन्वायरमेंट के में मिनिस्ट्री में जाएगा, बट ऐसा नहीं होता दोस्तों। तो जिस वजह से इस चीज़ को याद रखें सेंटर ऑफ मरीन लिविंग रिसोर्सेज एंड इकोलॉजी ये आपका स्पेशली अर्थ साइंस के अंदर आता है। इसी तरह नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिका एंड ओशियन रिसर्च
दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक्स जो हमारा अगर बोलें तो वो कहीं ना कहीं हमारा अर्थ साइंस के अंदर आता है, और ओशियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेल ये भी हमारा जो है अर्थ साइंस के अंदर। देखिए ये टॉपिक्स बहुत मुश्किल हैं, मिलेंगे आपको कहीं इधर उधर, तो जिस वजह से आप इनको कंसाइज वे में लिखते रहिए कि हाँ ये चीज़ें आती हैं और इन्हीं चीज़ों से जो है हमारा काम हो सके हो जाएगा प्रीम्स में, अगर हमें ये चीज़ें याद हैं तो। इसी के जैसे दोस्तों अगर बात करें तो कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग हाल ही में सुर्खियों में काफ़ी ज़्यादा बना रहा, इसका टेस्ट ऑफिस जो होते हैं वो देखिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन चेन्नई, यहाँ पे चेन्नई दे रखा है, वैसे तो देखा जाए तो मुंबई है तो यहाँ पे वैसे चेन्नई दे रखा है, तो ऐसा है कुछ नहीं इसकी ब्रांचेज हैं बट यहाँ पे अगर बात करें तो वैसे मुंबई है इसका हेड ऑफिस। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल एंड फिल्म डिवीजन, तो ये बेसिकली अगर बात करिए ये इसके टेस्ट ऑफिस के तौर पे हमें देखने को मिलते हैं। इसी तरह कुछ आपका एपेक्स बॉडीज़ भी हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं, जिसमें एपेक्स बॉडी के अंदर हमारा जो आता है वो आता है दोस्तों प्रसार भारती और सेट टू सेट कहीं ना कहीं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। देखिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ये भी हमारा एक बात करें तो एपेक्स बॉडी के अंदर आता है, फिर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ये भी स्कीम्स जो है इसमें एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ और योजना मैगजीन, ये आपको पता ही होगा क्योंकि ऑफकोर्स एवरी एस्पिरेंट्स रीडिंग दिस मैगजीन्स, बाइबल ऑफ UPSC आप कह सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसी के जैसे दोस्तों अगर बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अभी तक हमने ब्रॉडकास्टिंग पढ़ा था, अब हम पढ़ते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेस्ट ऑफिस, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर्स, स्टैंडर्डाइजेशन टेस्टिंग, क्वालिटी सर्टिफिकेशन, दीज वेरी इंपॉर्टेंट, आज के समय सुर्खियों में बना हुआ है तो इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर स्टैंडर्डाइजेशन टेस्टिंग क्वालिटी सर्टिफिकेशन ये हमारा जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर है। सेट टू सेट यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI आपका जो है वो भी कहीं ना कहीं आधार कार्ड ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसी तरह कुछ इसकी स्टैचूरी बॉडी भी हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं जिसके अंदर आपका एक सेकेंड ये रहा हाँ, जिसमें स्टैचूरी बॉडी जिसके अंदर साइबर अपलेट ट्रिब्यूनल्स आपको देखने होते हैं, जो साइबर से रिलेटेड जो चीज़ें होती वो, और इंडियन कंप्यूटर एमरजेंसी रिस्पांस टीम CERT-N ये हमारा जो देखें तो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फिर उसके बाद अगर बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वेरी कोर टॉपिक, अभी बजट भी आ रखा है तो आपको पता चलेगा काफ़ी ज़्यादा टॉपिक। देखिए कुछ डिपार्टमेंट्स हैं इसके अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, और सेट टू सेट डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू। अगर हम देखें तो कुछ हमारे 5 तरह के डिपार्टमेंट्स हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा सा डेप्थ के अंदर भी चलेंगे थोड़ा सा, क्योंकि डेप्थ से रिलेटेड हमें काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं जिसके अंदर। देखिए स्टैचूटरी बॉडी के अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर 14th फाइनेंस कमीशन हमें देखने को मिलता है, और सेट टू साइड सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बट डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स को थोड़ा सा और डेप्थ के अंदर चले, क्योंकि देखिए यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं निकल के आते हैं, तो मुझे भी लगता है कि यस हमें थोड़ा सा और डेप्थ के अंदर आपको दिखाना चाहिए। तो जिस वजह से अगर मैं बोलूँ तो देखिए डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर जिसके अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड आता है पहली बात, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और सेट स्कीम्स कुछ इसकी चल रही है इकोनॉमिक सर्वे और G20 इंडिया सेक्रेटरी, ये जो GOI में दे रखा है वही मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। फिर इसी जैसे इकोनॉमिक अफेयर्स के ही आगे थोड़ा सा देखते हैं, और देखिए डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को देखते हैं तो स्टैचूरी बॉडी के अंदर आपका डिपाम आता है जो हाल ही के प्रेडा आता है जिसके अंदर पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये एक स्टैचूरी बॉडी है, इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा, बेसिकली जो पेंशन फंड्स होते हैं उनकी देखरेख करता है ये। और स्कीम्स के अंदर बात करें तो देखिए स्वच्छ भारत कोष टू अट्रैक्ट कॉरपोरेशन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड्स फॉर स्वच्छ भारत, तो स्वच्छ भारत कोष जो है बेसिकली बात करें तो वो कहीं ना कहीं हमारा जो है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अंदर हमारा देखने को मिलता है। इसी के जैसे अगर हम बोले डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज जिसके अंदर एपेक्स जो बॉडी देखें तो सिक्योरिटी अपलेट ट्रिब्यूनल्स हमें देखने को मिलती है। स्टैचूटरी बॉडी के अंदर हमें कोलकाता डेप्थ रिकवरी ट्रिब्यूनल नंबर 2 और RBI ये सारी चीज़ें जो हमें डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर हमें देखने को मिलती हैं। इसी के जैसे कुछ हमें जो स्कीम्स भी थोड़ी सी देखने को मिलती हैं दोस्तों, अगर हम थोड़ी सी स्कीम्स की बात करें इसके अंदर तो देखिए जनधन से जन सुरक्षा पोर्टल ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जनधन से जन सुरक्षा पोर्टल एक ये, और आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना ये भी जो है इस चीज़ से हमें
जो चीज़ें जो हमें निकल के आती हैं। इसी तरह डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, जिसमें स्कीम्स आती हैं आपकी, ई ग्रंथालय, ऑनलाइन लाइब्रेरी, कैटलॉग, तो ये सारी सारी चीज़ें जो हमें इस चीज़ में देखने को मिलती हैं। इसी के जैसे दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू की अगर हम बात करें तो इसके अंदर देखिए अटैच्ड ऑफिस है हमारा डायरेक्ट्रेट ऑफ एनफोर्समेंट, जो आपने देखा होगा कि हाल ही के अंदर काफ़ी सारे नेताओं के घर में छापा, बेसिकली यही मारता है रिवेन्यू ऑफिस, डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू ही मारता है। और इंडियन एजेंसी फाइटिंग इकोनॉमिक क्राइम, तो दीज आर द वेरी हॉट टॉपिक्स। इंडियन एजेंसी मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि आपको मेरी राइटिंग थोड़ी समझ आ जाए, काफ़ी ज़्यादा जल्दीबाजी में बना रखा है मैंने ये। तो दोस्तों इंडियन एजेंसी फाइटिंग इकोनॉमिक क्राइम्स, और कमीशन्स में देखें तो सेवंथ पे कमीशन एज वेल एज, इसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू के अंदर हमें देखने को मिलता है। और अगर हम थोड़ा सा और डेप्थ के अंदर देखें तो जिसमें पीएसयू में आता है आपका सीबीडीटी, आपका जो जो स्पेशली जो डायरेक्ट टैक्सेस से कंट्रोल करता है, और सीबीईसी जो इंडायरेक्ट टैक्सेस, जो हमारा बेसिकली अब तो फिलहाल जीएसटी आ गया है बट उसके बाद अलग चीज़ें। इसी तरह दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की अगर हम बात करें तो देखिए जिसके अंदर आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट ऑफ होम, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, डिपार्टमेंट ऑफ जेएनके, ऑफिशियल लैंग्वेज एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो डिपार्टमेंट, वैसे डिपार्टमेंट और भी हैं बट जो जो प्रिंस से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट है, मैंने उन्हीं चीज़ों को जो यहाँ पे कवर करने की जो कोशिश करी है। देखिए डिपार्टमेंट ऑफ अगर हम होम्स की अगर हम बात करें, डिपार्टमेंट ऑफ होम की जिसमें अटैच ऑफिस आता है फोरेंसिक साइंस सर्विस, इस चीज़ को याद रखिएगा, फोरेंसिक साइंस सर्विस जो स्पेशली बात करें डिपार्टमेंट होम्स, सिविल डिफेंस ये आपका आता है। देखिए एपेक्स ऑटोनोमस बॉडी जो है, देखिए नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड ब्यूरो एज वेल एज नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ये कहीं ना कहीं हमारे होम मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं। स्टेचुटरी बॉडी के अंदर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है हमारी, जो इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो आपके पीएम ही होते हैं, चीज़ को जरूर आप याद रखने की जो कोशिश कीजिएगा। इसी के जैसे आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं, अब आता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। देखिए स्टेचुटरी बॉडी के अंदर फसाई आता है आपका, जो हाल ही में काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में बना रहा है। इसी के जैसे फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया एज वेल एज, इसके अंदर अगर बात करें डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसी के जैसे और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर डिपार्टमेंट में आते हैं दोस्तों। इसके अंदर देखिए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एग्री कॉपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग फिशिंग, तो ये ऑलमोस्ट हो जाता है, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट फिर भी मैंने इसलिए लिखा जानबूझ के ताकि आप थोड़ा सा एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी थोड़ा सा, तीन डिपार्टमेंट हमें देखने को मिलते हैं। इसी तरह डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स से अगर हम बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स की अगर हम बात करें तो देखिए इसमें डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर और डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है ये किस में जाएगा किस में जाएगा। कुछ लोग फिर बोलते हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में जाएगा, नहीं, ये ध्यान रखिए डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स में जाता है। इसका अटैच्ड ऑफिस है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग एंड अथॉरिटी, इसको हम NPPA कहते हैं, आपने काफ़ी देखा होगा द हिंदू के एडिटोरियल्स में काफ़ी ज़्यादा सुर्खी में हमेशा जो है बना रहता है। इसी के जैसे दोस्तों थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को देखते हैं। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में अटैच्ड ऑफिस में ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि यहाँ से काफ़ी तक कन्फ्यूजन रहती है कि देखिए रेलवे सेफ्टी मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन में क्या कर रही है, तो अगर कोई तुक्का मारना कोई मारता है कोई ये सोच के मार सकता है, लेकिन वो चीज़ें जो है गलत हो जाती हैं, तो जिस वजह से इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा। कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी ये आपके इसमें आता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ये तो फिर हम कर ही लेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, जिसको हम DIPP कहते हैं, डेप, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन ये आते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की अगर हम बात करें जिसके अंदर आपका डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्टैचुरी बॉडी को देखें तो एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एज वेल एज, और थोड़ा सा हम और डेप्थ के अंदर देखें तो इसके अंदर कहीं ना कहीं देखिए डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखिए यहाँ से बन सकते हैं। देखिए सारे सारे पहली बात तो देखिए बोर्ड्स आ रहे हैं, तो आपको इस चीज़ को जरूर याद जरूर आपको दिमाग में सेट कर रखना पड़ेगा कि देखिए अथॉरिटी ऑफ प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपिंग अथॉरिटी, कॉफी बोर्ड एज वेल एज, ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में आता है। ये देखिए अभी ये एग्रीकल्चर में नहीं जाएगा,
क्योंकि कन्फ्यूजन तुक्का मारे तो हाँ एग्रीकल्चर से रिलेटेड है कि एग्रीकल्चर बच्चे नहीं, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में जाता है। इसी तरह मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये सारे सारे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में जाते हैं। इसी तरह रबर बोर्ड, स्पाइस बोर्ड, टी बोर्ड, टोबैको बोर्ड, ये सारे के सारे जो हमारे जो आते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंदर ही हमारे जो है देखने को हमें मिलते हैं डायरेक्टली, क्योंकि ये सारी सारी जो है स्टैचुरी बॉडी हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसी की जैसे डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशंस में अगर हम बात करें, देखिए अटैच्ड ऑफिस की अगर हम बात करें तो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक, अगर देखते हैं ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, देखिए डेप के अंदर ही आता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र्स, ये ध्यान रखिएगा डेप के अंदर आता है जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में आता है। ट्रैफिक कमीशन सुपरिटेंडेंट ऑफिस के अंदर कंट्रोल जनरल ऑफ पेटेंट डिज़ाइन एंड ट्रेड मार्क्स, देखिए पेटेंट और आपका ट्रेड ये तो आपका इसके अंदर आ जाता है डिप के अंदर, लेकिन अगर हम उसकी कॉपीराइट की बात करें, कॉपीराइट वो आपका हमारा एचआरडी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, इस चीज़ को जरूर याद रखने की जो कोशिश कीजिएगा आप। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों और समझने की जो कोशिश करते हैं। इसी तरह देखिए कुछ इसकी स्टैचुरी बॉडी भी हमें याद रखनी है। देखिए स्टैचुरी बॉडी के अंदर ये कुछ खास तो है नहीं, बट फिर भी देख लीजिएगा, वैसे तो कुछ खास है नहीं बट इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो वो ये है कि इसके अंदर देखिए पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये भी कहीं ना कहीं हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ अगर बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हमें ये पॉइंट्स हमें इंपॉर्टेंट लगते हैं, तो जिस हिसाब से आप देख रहे हैं आपको कहाँ कहाँ से एमसीक्यूज निकल के आ सकते हैं। इसी जैसे मिनिस्ट्री ऑफ आपका कम्युनिकेशन के अगर हम बात करें थोड़ी सी, तो इसके अंदर हमारा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन जिसमें DOT आता है डॉट, एक तो ये चीज़ आती है सेट टू सेट। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर RTI द वेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन के अंदर यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड और ट्राई, जो ट्राई आप देखते होंगे जो सारे के सारे जो टेलीकेशन से रिलेटेड जो सारे के सारी चीज़ें देखते हैं उसको हम ट्राई से रिलेटेड हम डोनेट करते हैं। इसी के जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, अगर इसकी अगर हम कंज्यूमर अफेयर्स की अगर डिपार्टमेंट्स की बात करें जिसमें स्टैचुरी बॉडी को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो इस चीज़ को जरूर याद रखने की जो कोशिश कीजिएगा कि कहीं ना कहीं ये हमारा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्डाइजेशन जो है ये इंपॉर्टेंट रखता है। इसी की जैसे स्कीम्स की अगर हम बात करें तो देखिए पोर्टल ऑफ ग्रीननेस अगेंस्ट मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, ये भी हमें इसी के अंदर देखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपका सेंट्रल वेयर हाउस कॉरपोरेशन, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ शुगर्स, तो ये भी कहीं ना कहीं हमें इसी डिपार्टमेंट के अंदर देखने को मिलते हैं, ना कि हमें मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसके अंदर देखिए सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन FCI और साइड से डायरेक्टर ऑफ शुगर, तो ये एग्रीकल्चर में ना होकर ये हमारे इसमें डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन से इसमें हमें देखने को मिलते हैं जो कंज्यूमर में आते हैं। तो दोस्तों और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की अगर हम बात करें, देखिए डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, इसी की जैसे डिपार्टमेंट देखिए डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, आपका डिफेंस प्रोडक्शन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये तो बट डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस मैन वेलफेयर जो होता है ये भी जो है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के अंदर ही हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगर हम देखिए एक चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि देखिए डिफेंस के अंदर ध्यान रखिएगा कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो डिफेंस के अंदर ही आता है, ना कि होम मिनिस्ट्री के अंदर। जो बॉर्डर एरिया जो अगर बात करें वो कहीं ना कहीं डिफेंस से रिलेटेड है, ना कि होम मिनिस्ट्री से रिलेटेड, तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो सकती है, तो इस टॉपिक को ज़रूर आप जो है याद रखने की जो कोशिश कीजिएगा। इसी की जैसे मिनिस्ट्री ऑफ HRD जिसको ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं हम, अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं देखिए डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के अंदर कॉपीराइट ऑफिस अगर हम बात करें वो हमारा जो होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ HRD के अंदर ही हमें देखने को मिलता है। इसी के जैसे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर हम बात करें तो देखिए लेबर के अंदर मैंने रीज़न ये है इसको डालने का कि कहीं ना कहीं जर्नल ऑफ माइंस सेफ्टी देख रहे हैं, ये हमारा लेबर ऑफ मिनिस्ट्री के मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है। एपेक्स और ऑटोनोमस बॉडी के अंदर EPO कमीशन के अंदर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और फाइनली इसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर अटैच्ड ऑफिस के अंदर अगर हम बात करें
तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस। देखिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये बहुत कन्फ्यूजन है, तो किसी को पता चलेगा नहीं कि माइंस के अंदर आ रहा है किसके अंदर, तो जिस वजह से ये एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर याद रखने की कोशिश कीजिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक गवर्नेंस एंड पेंशंस की अगर हम बात करें थोड़ा सा, तो जिसके अंदर दो आपको कुछ डिपार्टमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, वो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म ऑफ पब्लिक गवर्नेंस, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेसिस, जिसके अंदर ऑटोनोमस बॉडी के अंदर जरूर याद रखिएगा कि सीबीआई जो है हमें देखने को मिलता है। इसी तरह रूरल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमारा डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेशन की अगर हम बात करें तो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ स्टेटिक एंड डिपार्टमेंट ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेशन हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। और इसके अंदर अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिक और प्रोग्राम इम्प्लीमेशन की अगर हम बात करते हैं थोड़ी सी, तो जिसके अंदर CSO सेंट्रल स्टेटिक ऑफिस और NSO सेंट्रल सैम्पलिंग सर्वे ऑफ इंडिया, ये सारे जो होते हैं वो हमारे स्टेटिक डिपार्टमेंट के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। तो आई होप दोस्तों ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।